तो उत्तर प्रदेश में अपराधी कोई भी हो, योगी की पुलिस फटाफट न्याय देने में हमेशा तत्पर रहती है। बात अयोध्या की करेंगे, जहां पर एनकाउंटर में एक बदमाश जो है उसके साथ पुलिस का एनकाउंटर हुआ और जिससे कहीं ना कहीं से यह स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी लगातार जो है वो पनाह मांगते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये सरकार महिला सुरक्षा के प्रति पूरी तरह गंभीर है कि प्रदेश के अंदर इस सरकार ने आने के बाद सबसे पहले सौदों पर लगाम कसने के लिए जो कार्रवाई की, एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन उसका एक उदाहरण है। योगी सिर्फ कहते नहीं हैं, वो करके भी दिखाते हैं और ये दो तस्वीरें सूबे के मुखिया की बातों की तस्दीक भी कर रही हैं। अयोध्या में नाबालिग के साथ दरिंदगी की तो पुलिस ने एनकाउंटर कर गिरफ्तार कर लिया। देवरिया में बच्ची के साथ रेप की कोशिश हुई तो पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। यही वजह है कि मासूमों से दुष्कर्म के दोनों ही आरोपी मुठभेड़ के बाद सलाखों के पीछे है। जगह भले दो हो, लेकिन अपराधी ये भूल गए कि सूबा एक ही है, जहां पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम होता है, जहां के मुखिया महिला और बेटियों की सुरक्षा को लेकर सख्त है, जहां अपराध और अपराधियों का हिसाब भी होता है। अयोध्या में पुलिस ने नाबालिग से रेप के आरोपी को इनकाउंटर कर गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि सोमवार शाम को 4 साल की दलित बच्ची अचानक गायब हो गई। परिजनों ने तलाश शुरू की तो करीब 5 घंटे बाद पड़ोसी सलमान के घर के पास मिली। बच्ची की हालत नाजुक थी, परिजनों को रेप का शक हुआ और मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामले में FIR दर्ज की। आरोपी सलमान मुठभेड़ में घायल हुआ, पैर में गोली लगने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। CM योगी की पुलिस को खुली छूट का ही असर है कि अब अपराधियों के हौसले पस्त हैं। सिर्फ अयोध्या ही नहीं, देवरिया से भी ऐसी ही घटना सामने आई है, जिसका यहाँ पर भी एक आरोपी का इलाज पुलिस ने किया है। जहां 7 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप की कोशिश करने के आरोपी सैफुल्ला को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सैफुल्ला ने मेडिकल के दौरान भागने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस की सतर्कता और सूझबूझ से सैफुल्ला कानून के शिकंजे में। CM योगी ने जब से सूबे की कमान संभाली है, अपराध और अपराधियों के हौसले पस्त हो रहे हैं। अपराधी या तो जेल की सलाखों के पीछे हैं, या तो खुद ही गले में तख्ती डालकर थाने में आत्मसमर्पण कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं गुजरात में महाप्रलय की। गुजरात में कई जिले ऐसे हैं जो लगातार जल प्रलय की मार झेल रहे हैं, वहां पर हालात चिंताजनक हैं। इसके अलावा आपको बता दें 15 लोगों की मौत की खबर भी आ रही है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि 6 ऐसे जिले हैं जहां पर सेना को तैनात कर दिया गया है, तो वहीं 23,000 लोग अभी तक रेस्क्यू किए जा चुके हैं। लेकिन गुजरात में क्या हालात हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। शहर, मौत का डर, जल गदर, क्यों बेकाबू हुए बादल। बिपरजॉय तूफान ने पिछले साल गुजरात में तबाही मचाई थी। तूफान से लड़ने के बाद गुजरात पर अब आसमान से आफत बरस रही है। कमर तक पानी, पानी में रेंगती गाड़ियां, उफान पर विश्वामित्र नदी। अब ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें गुजरात के जामनगर की हैं। आप कोई फिल्म नहीं देख रहे। जामनगर में बरसाती पानी में अपने आप तैर कर चली आई पुलिस चेक पोस्ट। गुजरात के जामनगर में पिछले 24 घंटे से बारिश का कहर है। गुजरात में लगातार मूसलाधार बारिश से कई जिलों के हालात बिगड़ गए। कच्छ जिले में अगले 3 दिनों तक सब कुछ अलर्ट पर है। राज्य में सरकार ने कलेक्टरों को सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द करने के लिए कह दिया। सतर्कता के तौर पर पूरे राज्य में प्राइमरी स्कूल बंद हैं। मौसम विभाग ने 29 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट दिया है। 28 अगस्त के लिए राज्य के 26 जिले रेड अलर्ट पर रखे गए हैं।
मौसम विभाग का अनुमान है कि 1 सितंबर तक राज्य में बारिश जारी रहेगी। गुजरात में भारी बारिश के कारण रेल यातायात प्रभावित हुआ। वडोदरा मंडल पर भारी बारिश के कारण बाजवा रनौली सेक्शन में अत्यधिक जलभराव के चलते कई ट्रेनें प्रभावित हुई। मूसलाधार बारिश से डैम भर चुके हैं, नदियां खतरे के निशान के ऊपर हैं। हालात ये है कि बाढ़ बारिश से लोगों का जीना मुहाल है। वडोदरा से होकर बहने वाली विश्वामित्री नदी 25 फीट के खतरे के निशान को पार कर गई है। गुजरात के कच्छ में भी भयावह मंजर देखने को मिला। वहां मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर हैं। नदी के जद में जो कुछ भी वहां तिनके की तरह बहने लगता है, चाहे वो सामान हो या फिर पेड़ या फिर आलीशान मकान। यही नहीं, अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी का पानी हाईवे पर आ गया, जिससे सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया। अब ये तस्वीरें देखिए, ये कोई नदी तालाब या झरना नहीं, बल्कि ये सड़क पर अंडरपास है, जहां पानी झरने की तरह बह रहा है और लोग उसका वीडियो बना रहे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर ये आफत कब जाकर खत्म होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पुतिन के तहलके की। दरअसल लगातार यूक्रेन ने जिस तरह से रूस के मिलिट्री बेस पर हमला बोला है, उसके बाद से पुतिन बौखलाए हुए हैं और यूक्रेन के लगातार तमाम इलाकों में रूसी सेना जो है वो एयरस्ट्राइक करती हुई नजर आ रही है, हमले करती हुई नजर आ रही है। स्कूल हो, कॉलेज हो, पेट्रोल पंप हो, वो तमाम जगह जहां पर लगातार रूस अटैक कर रहा है। ज़ेलेंस्की से पुतिन का बदला। दो सौ ड्रोन और मिसाइल से हमला। कहा था ना, पुतिन को छेड़ोगे तो वो छोड़ेंगे नहीं, और हुआ भी ठीक वैसा ही। रूस की मिलिट्री बेस सिटी सातारोव में हमले के जवाब में पुतिन की फौज ने यूक्रेन के प्लांट, स्टेशन और हथियार डिपो पर धावा बोल दिया। रूस ने आधी रात को किंजल मिसाइल से लेकर ईरानी शाहिद ड्रोन जैसे हथियारों से तनातन अटैक किए, जिससे कीव कांपने लगा। पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर पिछले 2.5 साल में अब तक का सबसे बड़ा हमला बोल दिया, जिसमें रूस ने 100 मिसाइल और 100 ड्रोन एक साथ यूक्रेन पर दाग दिए। एक साथ यूक्रेन के 35 शहरों को रूसी सेना ने अटैक कर टारगेट किया। कीव समेत कई इलाकों में रूसी हमलों के बाद ब्लैकआउट हो गया और कीव के ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पर भी रूस ने हमला बोल दिया। देखिए कैसे आग बरसाती मिसाइलों ने यूक्रेन को धुआं धुआं कर दिया। यूक्रेन की सबसे बड़ी टेंशन बढ़ाने वाला हमला तो कीव के करीब निप्रो नदी के किनारे इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पर हुआ, जिसके बाद आग की लपटों ने सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया। रूस ने पहली बार अपने खतरनाक बॉम्बर यानी कि बम वर्षक तुपोलेव से यूक्रेन एयर स्पेस में घुसपैठ कर भारी बमबारी की। अब तक रूस यूक्रेन के पूर्वी इलाके में हमले करता था, लेकिन इस बार पश्चिमी इलाके को भी निशाना बनाया गया है। पुतिन ने ज़ेलेंस्की को जख्म देने के लिए उनके गृहनगर में भी बारूद की बारिश कर दी। क्रीवी रे होटल पर रात भर रूसी मिसाइल से हमला होने से 2 लोगों की मौत हुई है और 5 लोग घायल हुए हैं। ज़ेलेंस्की ने इस हमले को नीचता बताया है। पुतिन खूंखार हो रहे हैं तो दुनिया टेंशन में है। ऐसे में पुतिन को शांत कराने के लिए सबको फिर मोदी याद आए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बातचीत की। यूक्रेन में शांति के लिए दोनों के बीच चर्चा हुई तो उसके बाद मोदी ने पुतिन को फोन मिलाया और जंग रोकने पर जोर दिया। मोदी ने फिर दोहराया, ये युद्ध का वक्त नहीं है। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि